छोड़िए सर, अमित ड्राइव के हवाले से जो नजर उन्होंने लिखी है वो सामने एनरोलमेंट ड्राइव का आगाज करना है। इस पूरे कश्मीर के एनरोलमेंट ड्राइव के आगाज करने के लिए उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल सलामाबाद को चुना है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि डायरेक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। शुक्रिया। लेकिन केजीबीवी की तालिबा है, ये ऐसे शहर है जहां पे माँ बाप से ज्यादा खुशी है। और आप सीओ साहब के चेहरों पे खुशी देख रहे हैं कि गुलजार साहब से ज्यादा कि वो खुशकिस्मत है कि डायरेक्टर साहब ने और खासकर उस खुशी में आप भी पूरे पूरे शरीक हैं कि डायरेक्टर साहब जो है आज एनरोलमेंट जो है कैंपेन कर रहा है, जो शुरुआत जो है वो हमारे जूलन को उन्होंने तरजीह दी और जूलन को चुना। आप सभी से गुजारिश है कि हरविंदर सिंह जी, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल सलामाबाद जनाब गुलाम जीनानी साहब, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल सुल्तान डक्की जनाब हमीद साहब, जोनल एजुकेशन ऑफिसर झूला जनाब महराजुद्दीन शाह साहब, हेड मास्टर साहिबा और हमारे फूल जैसे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। वक्त की कमी और डर में मैं अपने चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला जनाब बलबीर सिंह रैना साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सदर महफिल जनाब डायरेक्टर साहब को तासी लोड़ी की रवायती दस्तार बंदी का और डिस्ट्रिक्ट बारामूला में जो बॉर्डर जोन है हमारा सर, लास्ट जोन है इस डिस्ट्रिक्ट बारामूला का, वो जोन झूला है। और जिसके सर यहाँ से अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 5 या 10 किलोमीटर पर हमारा
दूसरा मुल्क पड़ता है, ये बॉर्डर जोन है सर। और इस जोन की सर मैं आपको कुछ खूबियां जो यहाँ पर थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूंगा सर, ये बहुत ही न्याय की शरीफ लोग हैं और अपने अपने काम के साथ जुड़े हुए हैं और किसी तरीके से भी किसी को कोई ना तो कभी तंग करते हैं ना कभी किसी तरीके से किसी की काम में मदाखलत करते हैं सर। सर एजुकेशन सेक्टर में अगर देखेंगे तो हमारे जो स्कूल है इन स्कूलों में तकरीबन जो इस वक्त इनरोलमेंट है सर वो तकरीबन अपनी सर्टिफिकेट हासिल करें। शाहिद बाबा प्राइमरी स्कूल पंजाब जितने बच्चे हैं उनको शाहजाद हुसैन अंदर बच्चों के लिए इसको भी डालो, इसको भी ये दे दो, ये दे दो सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट राइट हैंड करेंगे सर। तो मेरा क्या है सर ज्यादा है सर कोई ठीक है कोई आप इनका नाम भर लो ये पकड़ो इधर देखो बेटा आप भी देखो बेटा इधर कैमरा की तरफ वाह ये टीचर कौन है सब स्टाफ को मुबारक आप रोजाना पढ़ते हैं ये कुछ नहीं करते एक मिनट सर सर आप बच्चे अंदर श्री बलबीर सिंह रैना जी डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला हरमिंदर जी और सीओ ऑफिस की पूरी टीम और यहाँ के जितने भी क्लस्टर हेड्स हैं जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स हैं हमारे मोहतरम और मुकर्रम ये उसातिज़ा किराम है यहाँ की कल्चरल विंग है यहाँ की बाकी जोन के स्टाफ है फिजिकल एजुकेशन मास्टर्स फिजिकल एजुकेशन टीचर्स जो यहाँ पर पूरे दो दिनों से तीन दिनों से लगे हुए हैं इस ड्राइव को कामयाब करने के लिए वो इस वक्त आप खुद इसका मुजाहरा कर रही है और यहाँ पर जितने भी मीडिया पर्सनलिटीज आई है ये पूरा इसको कवरेज दे रहे हैं ताकि ये मैसेज पूरे J&K यूटी में चले कि उड़ी में बच्चे और पेरेंट्स गवर्नमेंट स्कूलों पर एतमाद कर रहे हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ उड़ी में इस वक्त बहुत बड़ी तकरीब होने को रही है हो रही है और इसके जो क्लस्टर हेड है जनाब मुश्ताक अहमद सोपोरी साहब इसने बड़ी मेहनत और लगन से काम किया है और आज ये सर प्रिंसिपल साहब है सर क्लस्टर हेड नाम अब सब ठीक आज इस मेहमान का इस्तकबाल करने के लिए आप बड़े आराम से डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला श्री हरमिंदर सेक्रेटरी खान साहब क्लस्टर हेड बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल हाईकोर्ट से आए हुए नैप डिविजन कोऑर्डिनेटर मशक्कत नहीं हुआ अर्ज करता हूँ प्रिंसिपल अब्बास साहब
कलस्टर गर्ल्स हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल ताकिद साहब और यहाँ पर मौजूद सैकड़ों टीचर्स और बच्चों के साथ आए हुए उनके वालिदैन और यहाँ पर आए हुए ऊडी के अतराफ अकनाक से हमारे तीन कलस्टरों के बच्चे जो नहायत ही जोश खरोश के साथ आज डायरेक्टर साहब की इस इनरोलमेंट ड्राइव की मुहिम में शिरकत करने के लिए आए हैं। आप सबको हमारा सलाम, हमारा आदाब। हमारे सदर बैठक को दो प्रोग्राम पाकिस्तान से गुजारा करना दो मिनट तैनात हो गई है तो मैं सभी लोग इतने जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं मेरी सबसे रिक्वेस्ट है आप हम पर भरोसा रखिए और हम उस भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। आप अपने बच्चों को हमारे हवाले कीजिए और हम उनकी अच्छी तरीके से परवरिश करेंगे और कोशिश करेंगे उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए और आपको आपके बच्चे हम आपके इस मुस्तकबिल के एक रोशनास हीरो के तौर पर उभरेंगे हमारे स्कूलों में। तो मैं आज की इस दिन के हवाले से अपने तमाम भाइयों से ये अपील करता हूं कि अपने अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में डालिए और गवर्नमेंट स्कूल्स में अब हर तरीके की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है और
गवर्नमेंट हाई स्कूल वर्नेट जाहिद इरशाद वाजा कुड़ावत थैंक यू सो मच वक्त की किल्लत की वजह से सारी देखिए हमने इस साल जो एनरोलमेंट जो हमारे एग्जाम्स हैं जो मिडल और नाइन्थ तक जो है एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं अभी कहीं चल रहे हैं तो हमने अब नए एडमिशन्स करने हैं। आज के दिन से हमने एनरोलमेंट ड्राइव कश्मीर के 10 ज़िलों में शुरू की। तो मेरा यहां आने का मकसद यह है मैं उस इलाके में जाऊं जहां अक्सर लोग नहीं जाते हैं तो उन एरियाज़ में हम जाना चाहते हैं जहाँ और सरकारी स्कूलों के अलावा और प्राइवेट स्कूल्स की सुविधा नहीं है। ऐसा इलाका मैंने चुना ताकि हम यहाँ के बच्चों के साथ मिलके उनको अपने स्कूलों में दाखिला दे दें और उनको एक अच्छी तालीम दे दें और अपने कौम को आगे बढ़ाएं। देखिए पिछले साल जो हमारा एनरोलमेंट था वो 1,18,000 के करीब था। इस साल हम इस टारगेट को और आगे बढ़ाना चाहते हैं और हमारा और एक टारगेट है कि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन रहे हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स में उनको भी हम इस साल टारगेट कर रहे हैं उनको एज अप्रोप्रिएट क्लासेस में एडमिशन देने का ताकि हमारे सोसाइटी में हमारे कौम में ऐसा कोई बच्चा न रहे जो स्कूल न गया हो जो आउट एजुकेशन से महरूम है उनको हम टारगेट करना चाहते हैं। इसके अलावा NEP के तहत जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन है उनको भी हम टारगेट कर रहे हैं ताकि हम इंक्लूसिव एजुकेशन पे ज़्यादा जोर। CEO साहब ने भी अपने स्पीच में ये बोला वी आर गोइंग टू लॉन्च एनुअल ट्रांसफर ड्राइव 2023 उसमें हमने सॉफ्ट हार्ड और वेरी हार्ड जोन्स रखे हैं। हर एक जोन में स्टाफ जाएगा और स्टाफ की जो तैनाती होगी वो ऑन द बेसिस ऑफ एनरोलमेंट होगी। जहाँ जितने बच्चे हैं उस हिसाब को भी हम रखें और जितने सेंशन पोस्ट हैं उसको हमने मद्देनज़र रखते हुए हमने उस पे काम किया हुआ दैट विल बी सून वो मंजर आम पे आएगी और वी विल इनवाइट एप्लीकेशन फ्राम जिनको 3 साल से ज़्यादा हुए हैं सॉफ्ट और हार्ड जोन में दे आर एलिजिबल फॉर ट्रांसफर्स और जो वेरी हार्ड जोन है जहाँ कट ऑफ रहता है उसमें हमने जो स्टे रखा है वो 1 साल का रखा है ताकि हर इलाके ऐसे हों जहाँ स्टाफ पहुँचे। जब हम कभी ऐसे इलाके में भेजते हैं लोग वो डरते हैं जाने से उनको पता होता है कि वो 5 साल 4 साल बाहर रहना है लेकिन इस साल हमने ये नोटिफाई किया हुआ है कि वो 1 ही साल बाहर रहे इसलिए वो खुशी से जाएगा और जो वहाँ 3 साल से ज़्यादा रहे हैं उनको भी हम वापस ला रहे हैं। वी विल रैशनलाइज द स्टाफ ऑन द बेसिस ऑफ एनरोलमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल पोस्ट इन द स्कूल। सर कुछ दिन पहले मैंने सब CEOs को कहा हुआ है कि जो भी RRT टीचर्स जहाँ भी अटैच है उनकी एक्चुअल पोस्टिंग हमें बताइए। वी आर गोइंग टू रैशनलाइज देम ऑन द बेसिस ऑफ एनरोलमेंट एज वेल एज द सेंक्शन पोस्ट। ऊपर से कोई आर्डर नहीं आता ऊपर से ये आर्डर आया है हमें डाटा दे दो जो भी RRT टीचर्स RET टीचर्स अटैच्ड है उनका डाटा हमें दे दो। जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब है उन्होंने मुझे हदायत दी है वी आर गोइंग टू रैशनलाइज दैट।